हिमाचल प्रदेश के 13वें विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के बाद बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के एक साल की उपलब्धियों का ब्यौरा सदन में रखा गया है। सरकार ने बीते एक साल में सभी वर्गों का विकास किया है और जनता ने भी सरकार के काम की सराहना की है। तो वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण लेकर कहा कि अभिभाषण में केवल मेरी सरकार के अलावा कुछ भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आम जनमानस ने उन नीतियों को उन योजनाओं को हृदय से स्वीकार किया। लोकसभा के चुनाव में 68 विधानसभा क्षेत्र में जीत, उपचुनाव में जीत, ये एक संदेश है, एक संकेत है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जो हमने जनहित में हिमाचल प्रदेश में जो जारी की हैं, जो चलाई हैं, उन योजनाओं का इम्पैक्ट लोगों के दिल दिमाग पर है। और मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं इन योजनाओं के समर्थन और सहयोग के लिए पूरे एक वर्ष में। उसके साथ साथ में महामहिम राज्यपाल महोदय जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। राज्यपाल अभिभाषण हुआ सत्र के पहले रोज, तो इस दस्तावेज में मेरे ख्याल मेरी सरकार के अलावा तो कुछ नहीं है। ये लगभग 100 बार कहा गया है कि मेरी सरकार, और कुल मिला के लगता है कि आगे यही कहना चाहिए था कि मेरी सरकार पूरी तरह असफल सरकार रही है। और क्योंकि इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, पूरे जो है चुनावी वायदे इन्होंने पूरे किए नहीं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई में किस दिन क्या खास रहने वाला है। 25 फरवरी राज्यपाल के अभिभाषण से ये सत्र शुरू हुआ। बजट सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी। वहीं 25 फरवरी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विपिन परमार ने नामांकन भर दिया है। 26 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद से अनुपूरक बजट होगा। 27 फरवरी को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। वहीं 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट अनुमान पेश करेंगे। वहीं 9 से 14 मार्च तक बजट अनुमान पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 15 मार्च से 22 मार्च तक ब्रेक लिया जाएगा। उसके बाद दोबारा से 23 से 27 मार्च तक बजट अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। 27 मार्च को विनियोग विधेयक पारित किए जाएंगे।